Blue team has scored for the first time! हे गेमर्स, एक और नए वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो बताने वालों की ऐसा प्रो टिप के बारे में, ऐसा प्रो सेटिंग जिसको लेकर यूज करके जो है टीडीएम के अंदर बहुत ज्यादा अपने आपका जो हिप फायर है ना उसको इम्प्रूव कर सकते हो। जी हाँ गाइस, ये हिप फायर इम्प्रूव करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स है गाइस। और ये वाला जो है ना एक नया एडवांस सेटिंग्स आ चुका है पबजी मोबाइल के अंदर। यहाँ पे आप देखो सेटिंग्स के अंदर जाना, यहाँ पे जो है ना एम फीचर्स को यहाँ पे ऑन कर देना, ठीक है। ये आपको ऑफ रहेगा, इसको ऑन कर देना। एम फीचर को ऑन करते ही जो आपका एक तो अलग से एंगल खुल जाएगा जो कि शोल्डर व्यू है, ठीक है। तो शोल्डर व्यू से जो है बहुत ही सामने से जब सामने बंदे रहेंगे ना उसको इजीली जो हेड कनेक्ट कर सकते हो। जी हाँ गाइस, ये आपको पहले टीडीएम में प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। और ये वाला गाइस हर टाइम ऑन करके रखना नहीं है, इसको जो है तुरंत ऑन करके ऑफ कर देना है। मतलब कि वहाँ पे आपको जो इसका ये रहेगा ना ऑन और ऑफ करने वाला बटन, उसको जो है सामने से एकदम सामने में रखना अपना हाथ उंगली का, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से इसको यूज करना है, ठीक है। उसी तरीके से आपको जो है इसको अगर यूज करोगे ना तब बहुत ज्यादा इसमें अब हेड कनेक्ट कर सकते हो, सामने में बंदे को आराम से जो गिरा सकते हो। और आपको जो है एक साथ दो तीन बंदों को भी गिरा सकते हो अगर सामने एक साथ आएगा तो, ठीक है। वो भी दिखाऊंगा आपको, तो देखते रहो वीडियो को। तो ये जो सेटिंग है ना, इस सेटिंग को आपको ध्यान से यूज करना पड़ेगा। एकदम सामने रहोगे ना, देखो इस तरह से आपको यूज करना पड़ेगा तुरंत, ठीक है। ये मतलब आपको इसको करके रखना नहीं है। बहुत जन क्या करते हैं इसको करके रख ही देते हैं, इसको मतलब ऑफ ही नहीं करते। इसको तुरंत जो है आपको ऑन करके तुरंत मार के बंदे को ऑफ कर देना है, क्योंकि एम को जो है पूरी तरह से चोक कर देता है। मतलब आपको एम को जो लॉक कर देगा एकदम सामने में, और आपको जो पूरा हेड ही कनेक्ट होते रहेगा, ठीक है। और आपको जो है जिगल भी करना नहीं देगा, पूरे तरीके से आपको एम जो है एकदम लॉक कर देगा। इसीलिए जो आपको तुरंत जो इसको ऑफ ऑन करते रहे। इसमें एक और चीज ध्यान देने वाला बात है कि ये लॉन्ग रेंज में एकदम थक देगा आपको, ठीक है। मतलब इसको लॉन्ग रेंज में आपको यूज करना ही नहीं, जो एकदम सामने सटा हुआ रहेगा ना तभी यूज करना है, ठीक है। और सामने सटा हुआ रहेगा तो आप पूरा ओपी बन जाएगा आपका एम एकदम, क्योंकि जो पूरा हेड ही हेड कनेक्ट होता रहेगा, ठीक है। लेकिन सामने वाला बंदा अगर जिगल कर दिया तो जिगल करने के टाइम जो आपका एम चोक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एकदम सामने रहना है, उसका ज्यादा भी दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी ये टीडीएम में ट्राई किया तो लॉन्ग रेंज में ना मेरा एम जो है एकदम लॉक हो जा रहा था उसका हेड की तरफ में। लेकिन जब वो जिगल कर दे रहा था तब जो है मेरा एम पूरा हक दे रहा था, मैं एम लगा ही नहीं पा रहा था उसका हेड पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि मैं लॉन्ग रेंज में बार बार जो है प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि कैसे जो है आपको तुरंत करके हटाना पड़ेगा। और यहाँ देखो लॉन्ग रेंज में मैंने यहाँ पे मार दिया है, लेकिन लॉन्ग रेंज में होता नहीं जल्दी, ठीक है। आपको यहाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा होगा यहाँ पर, ठीक है। ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर उसका यहाँ पे जो देख सकते हो, यहाँ पे सामने जो देख लिया था इसने, तो मैंने आपको बता दिया। और इसको आप लॉक भी कर सकते हो। लॉक मतलब कि आपको मान लो कि इसको ऑन कर आप मरते हो, मतलब ये जो बटन है ना, इस बटन को आप ऑन किए, ठीक है, इस मोड को ऑन किए हिप फायर वाला, और इसको ऑन करके अगर मर गए हो तो लास्ट में जो है आपका पूरा जो व्यू है ना पूरा हिप फायर मोड ही दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी आपको जो एम है ना वो पूरा स्ट्रेट जाता है एकदम हेड के ऊपर, देखते रहो यहाँ पे पूरा एम की तरफ, पूरा हेड की तरफ एम जाएगा आपका। अगर ये जो एम फीचर है ना, इस एम फीचर का जो ग्लिच है, इस ग्लिच क्या है इसका, जैसे आप मर जाओगे ना इस एम फीचर को ऑन करके, तो आपको जो कंधे से पूरा व्यू एंगल दिखाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि पूरा कंधे से जो है पूरा व्यू एंगल दिखा रहा है, यहीं से मैं मार रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर पूरा हेड टू हेड कनेक्ट हो रहा है, पूरा हिप फायर मेरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको चाहिए खाली इसकी यूज़ करना है तो आप यहाँ से जो है इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब आपको मरना है खाली, वो बटन को ऑन करने करके जब मर जाओगे ना, सेकंड बार से जो आपको व्यू है पूरा ऐसे दिखाएगा। ये पता नहीं ग्लिच है कि क्या है, ठीक है, लेकिन अच्छा मुझे दिखा रहा शो कर रहा था। यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से मार रहा हूं मैं, एग्जैक्टली पूरा हेड कनेक्ट हो रहा था एकदम, पूरा मुंह में एकदम तुरंत डायरेक्ट मर जाता था, पूरा एकदम हैकर टाइप का, ठीक है। लेकिन आपको जो है यहाँ पे एग्जैक्टली ये वे नहीं है यूज करने का, इसको आपको सामने जब रहना तभी वे करना, क्योंकि सामने अगर बंदा जिगल कर देता है तो आप जो है वहां पर चोक कर जाओगे, ठीक है। तो आपको जो एकदम सामने जब रहेगा ना तब तुरंत करना है, करके इसको हटा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका यूज है। यहाँ पर देख सकते हो इस तरह मैं यूज करने गया था, थोड़ा दूर हो गया, बल्कि मैं मार नहीं पाया, थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। आपको जो एकदम सामने रहकर इसको यूज करना पड़ेगा। तो वैसे जो टेक्निक है ना, इस टेक्निक का एक तो तोड़ भी है। यहाँ पे तोड़ क्या होगा इसकी, सामने अगर सामने जिगल करोगे ना तो आपका जो है सामने वाले का बंदा का जो अगर ये वो यूज कर रहा है इसको इस चीज को, तो उसका जो है यहाँ पे एम चोक हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेकंड वाला है प्रोन, अगर आप प्रोन भी हो जाता ना तब भी जो है सामने वाला एम चोक हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे इसकी कैसे जो मैंने बंदा को मार रहा था इसको यूज करके, ठीक है, इस फीचर को यूज करके मार रहा था, सामने वाला बंदा जो है पूरे जिगल मारते मरते को मार दिया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया, ठीक है। अगर इसी तरीके से मुझे अगर सामने प्रोन हो जाएगा ना तो तब भी जो है आप मुझे एम जो है आपका चोक हो जाएगा, क्योंकि कंधे वाला एम जो है वो आप ठीक से लगा नहीं पाओगे उसमें जब वो सो जाएगा, प्रोन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो किस तरीके से आपको करना है, इसको हटाना है। मतलब हर टाइम इसको आप कर ही नहीं सकते, अब जो तुरंत जो है करना है उसको फटक से हटा देना है, ठीक है। मतलब ये जो फीचर है ना, फीचर बहुत यूजफुल भी है और बहुत घातक भी, मतलब आपका डिसएडवांटेज भी है। यहाँ पर देखोगे कैसे ये प्रोन हो गया और मैं इसको मार ही नहीं पाया, ठीक है। तो ये तक पूरा वीडियो बता रहा, कैसे लगा, पसंद है तो लाइक करके सब्सक्राइब करो चैनल को, कि ऐसे अमेजिंग वीडियो में लाते रहता हूँ। और इस टाइप का एडवांटेज गाइस आप यूज करोगे जिसको, क्योंकि पबजी ने इसको दिया है तो कुछ ना कुछ खास सोच के दिया होगा, ठीक है। ये लाया है कि नया फीचर, इसको यूज करो टीडीएम के अंदर। मैंने दिखा दिया कि कैसे आपको यूज करना है, और कोई प्रॉब्लम होगा डाउट हो तो कमेंट करना।